कभी मनीष को मूर्ख ग्रोवर बोलने वाले अरविंद शर्मा अब संत हो गए हैं। वो वीडियो तो याद ही होगा आपको, जिसपे भरे मंच से अरविंद शर्मा ने मनीष ग्रोवर को खरी खोटी सुनाई थी। लेकिन अब न जाने अरविंद को क्या हुआ, अब उन्हें मनीष ग्रोवर से कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। दरअसल आज रोहतक से लोकसभा सांसद मनीष ग्रोवर झज्जर में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। इस दौरान जब उनसे पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर से मनमुटाव को लेकर सवाल किया गया, तो उन्होंने क्या जवाब दिया और किस अंदाज में दिया, सुनिए। ग्रोवर और अरविंद शर्मा का बातचीत क्या खत्म हो गया है या फिर देखने को मिलेगा? कोई इस तरह की कोई बात ही नहीं है, तुम ऐसे काम का मैं कोई इस तरह का मनमुटाव नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं। सर, अरविंद शर्मा का हृदय परिवर्तन बड़ा जबरदस्त हो जाता है, पहले वो कहते कि कोई उंगली दिखाएगा तो काट देंगे। मेरा देखो सुनो, मैं संतों के परिवार से ध्यान से कबीर पंथी, आपको भी पता है झज्जर का वासिंदा कबीर पंथी। दादाजी हमारे रिटायर्ड हेडमास्टर थे, फादर हमारे रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। हमारे दिल में किसी के लिए भी कोई मनमुटाव नहीं है, ना हम किसी के साथ कोई पैरबाजी करते हैं। प्यार प्रेम की भावना से, सेवा की भावना से आगे बढ़ते हैं, सेवा की भावना से ही अब तो बढ़ते आए, सेवा की भावना से ही आगे। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि उनका किसी से कोई मनमुटाव नहीं है, वो केवल मुद्दों की राजनीति करते हैं और सेवा भाव से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, कभी हरियाणा के सीएम से खफा नजर आने वाले अरविंद शर्मा के सुर सीएम खट्टर को लेकर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सीएम के कामकाज की तारीफ की, अब इसकी वजह क्या है ये तो अरविंद शर्मा ही बता सकते हैं। वैसे अरविंद शर्मा ने इतना जरूर कहा कि वो सत्संगी परिवार से हैं और उनका मकसद समाज की सेवा करना है। वहीं आदमपुर उपचुनाव को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए सांसद ने कहा कि आदमपुर उपचुनाव हर हाल में भाजपा जीतने जा रही है। कारण साफ है कि भाजपा की नीति और नियत दोनों ठीक है। झज्जर से दिनेश मेहरा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।